यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके कारण लेडीज कैन डेवलप लाइक प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड, मेनोरेजिया जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं. कई लेडीज में इसके कारण प्रेसर सिम्टम्स भी होते हैं, पेन होता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है. सो दिस इज वेरी कॉमन और वी कैन से कॉमन इज गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ यूट्राइन फाइब्रॉइड. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ज़ैरो खेरडे, आई एम वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट. सो आज मैं आपके साथ एक केस शेयर करना चाहूँगा. 38 ईयर ओल्ड लेडी मेरे पास आई जिनको 6 महीने से पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रहा था, लंबे समय तक चल रहा था, पेन भी हो रहा था और ये लास्ट 6 महीने से ये प्रॉब्लम थी. तो उन्होंने गायनेक को दिखाया था, गायनेकोलॉजी डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराया, उसमें पता चला कि फाइब्रॉइड प्रॉब्लम है एंड सी वॉज स्टार्टेड ऑन सम मेडिसिंस. मेडिसिन से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था बट इट वॉज नॉट लाइक जब भी मेडिसिन स्टॉप करते थे तब फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता था. उनका फैमिली कंप्लीट हो गया था एंड मल्टीपल फाइब्रॉइड से, तो गायनेक डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर यू. So, but she was not very keen for the surgery क्योंकि already उनका नी का सर्जरी हुआ था 2 साल पहले. सो अभी उनको और कुछ सर्जरी नहीं कराना था. तो उन्होंने सर्च किया अब इंटरनेट पे और उनको पता चला कि यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन एक एंजियोग्राफिक ट्रीटमेंट वो भी अवेलेबल है, ऑप्शन है उनके पास. तो वो सर्च करके मेरे पास आई. देन आई मैंने उनके सब रिपोर्ट्स देखे, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे उनको और सिम्टम्स मैच कर रहे थे फाइब्रॉइड के कारण उनको ये सब प्रॉब्लम हो रहा था और कोई कारण नहीं था उनके सिम्टम का. सो देन आई डिस्कस यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन प्रोसीजर विद हर बिकॉज और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं था. देन सी एग्रीड फॉर द सेम एंड एक दिन हमने डिसाइड किया कि ये दिन हम लोग करेंगे. पेशेंट को मॉर्निंग में बुला के एडमिट किया हमने एंड मॉर्निंग में हमने एंजियोग्राफी टेक्निक से यूट्राइन फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दिया. ये प्रोसीजर हमने रिस्ट की रेडियल आर्टरी से की विच इज़ वेरी स्मॉल ट्यूब की मदद से, 2 मिलीमीटर ट्यूब की मदद से हमने ये प्रोसीजर किया. प्रोसीजर के अराउंड 1 घंटे में प्रोसीजर हो गया और प्रोसीजर के बाद उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, पेन हो रहा था, उसके लिए हमने अप्रोप्रिएट पेन किलर दिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं विजिट के लिए आया तो उनका पेन कल के मुकाबले, प्रीवियस डे के मुकाबले बहुत ही कम था और उनको सेम डे नेक्स्ट डे इवनिंग में हमने डिस्चार्ज कर दिया विथ एंटीबायोटिक्स एंड पेन मेडिकेशंस. एंड उनको हमने 2 महीने बाद बुलाया एंड देन व्हेन आई आस्क हर हाउ इज योर पीरियड, योर ब्लीडिंग हैज रिड्यूस्ड और नॉट, योर पेन इज रिड्यूस्ड, सो शी सेड यस, इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, पेन कम हो गया है. शी वॉज वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोसीजर एंड शी सेड द बेस्ट पार्ट, यूट्रस इज प्रिजर्व, हर वुमनहुड इज प्रिजर्व एंड शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी कुड गो बैक टू वर्क लाइक विद इन 1 वीक आफ्टर द प्रोसीजर, जो सर्जरी में शायद पॉसिबल नहीं होता है. एंड देर इज नो स्कार, नो स्टिचिज, नो मेजर कॉम्प्लिकेशन. सो शी वॉज वेरी हैप्पी विद द यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन प्रोसीजर एंड शी टोल्ड मी दैट दे विल, शी विल सजेस्ट दिस ट्रीटमेंट टू एनी ऑफ हर फ्रेंड हु इज सफरिंग फ्रॉम द फाइब्रॉइड. और उनका हमने रिपीट सोनोग्राफी टेस्ट कराया 3 महीने बाद, तो उसमें पता चला कि सारे फाइब्रॉइड श्रिंक हो गए हैं और उसमें कुछ भी वास्कुलरिटी है नहीं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ द सक्सेस. सो सर्जरी इज नॉट द ओनली ऑप्शन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन फाइब्रॉइड. यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन कॉन्टैक्ट नियरेस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑप्शन. थैंक यू.